नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों की एक एक खबर से रूबरू कराता हूं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की टनल वाई साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई एक और सुरंग बीएसएफ ने पता लगा ली है। सुरंग मिलने के बाद बीएसएफ के जवानों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। बीएसएफ के जवान रोजाना की तरह ही जब बुधवार को हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त लगा रहे थे, तभी उन्हें एक सुरंग का पता चला। आतंकियों के द्वारा घुसपैठ के इरादे से बनाई गई सुरंग के मिलते ही जवानों ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों के मुताबिक 150 फीट लंबी इस सुरंग की गहराई 30 से 35 फीट है और इसकी चौड़ाई करीबन 2 से 2.5 फीट है। उन्होंने बताया कि यह सुरंग पुरानी लग रही है। हमारे जवानों को इस बारे में तब पता चला जब वे सुरक्षा घेरा बना रहे थे। बीएसएफ के आईजी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है कि कहीं सुरंग से आतंकवादियों ने पहले कभी घुसपैठ तो नहीं की है। हालांकि इस सुरंग से 2 रेत बैग भी मिले हैं जिन पर पाकिस्तानी कंपनी का नाम चिन्हित है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी से आतंकवादियों की घुसपैठ करना लगभग मुश्किल है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से ही वे घुसपैठ करने की फिराक में है। हालांकि बीएसएफ के आईजी ने कहा कि इस वक्त हमारे जवान सतर्क हैं और पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को नापाक करने में लगे हुए हैं। भारतीय सेना के अधिकारी ने इमारतों के अंदर आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने स्वदेशी रूप से माइक्रोकॉप्टर को विकसित कर लिया है, जिसका इस्तेमाल सेना के द्वारा इमारत या कमरे के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। माइक्रोकॉप्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल जीवाईके रेड्डी ने बनाया है। जम्मू कश्मीर में एक पैरा फोर्स बटालियन के द्वारा इस माइक्रोकॉप्टर के परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया गया है और माइक्रोड्रोन पर भी कई सुधार किए गए हैं। डीआरडीओ ने कहा कि उसने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल यानी कि ASMI को विकसित कर लिया है। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना की मदद से विकसित की गई पिस्तौल को रक्षा बलों में 9mm की पिस्तौल को बदलने के लिए सेट किया गया है और इसे भारतीय सेना के एक प्रोग्राम में प्रदर्शित किया गया था। डीआरडीओ ने कहा कि मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है और ये इसराइल की यूजी सीरीज गन की तरह ही है। इस प्रोटोटाइप ने अपने विकास के अंतिम 4 महीनों में 300 से अधिक राउंड फायर किए हैं। चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए सेना को अतिरिक्त धन दिया गया है, यानी कि उनके लिए अलग से एक बजट खासकर की जो कि चीन इशू को लेकर है उसको देखते हुए दिया गया है। भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय सेना को 8500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है, क्योंकि अभी भी डिसएंगेजमेंट के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे। ऐसे में भारतीय सेना खुद को हिमालयी सीमाओं में और बर्फीली ऊंचाइयों पर लंबी दौड़ के लिए तैयार कर रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ कह दिया है कि सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ चीन के साथ वास्तविक सीमा पर अपनी जमीन पर किसी को पैर नहीं रखने देगी। सेना ने पूर्वी लद्दाख में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। ये जो बजट एलोकेट किया गया है, इस बजट को RE बजट यानी कि रिवाइज एस्टिमेट कहा जा रहा है, जिनमें से कि 6000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो वहाँ पर तैनात सैनिकों के दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है। वहीं साउथ ब्लॉक स्थित एक सूत्र ने बताया कि करीबन 2500 करोड़ रुपए सेना के आधुनिकरण के लिए भी दिए गए हैं। पिछले साल मई में तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने बार बार कहा कि सेना के लिए किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी और अपने शस्त्रागार में कमियों को पूरा करने के लिए सेना विभिन्न सामग्रियों विशेष रूप से मिश्रित गोला बारूद मिसाइलों और एमुनेशन की खरीद के लिए फास्ट ट्रैक मोड पर भी रही है। सेना ने ये सुनिश्चित किया है कि 85% खरीद भारतीय कंपनियों के माध्यम से की गई है। सैनिकों के लिए लगभग 80 आइटम स्टॉक किए गए हैं, जिसमें भारी मात्रा में केरोसिन, डीजल और पेट्रोल शामिल है। सेना 15,000 फीट से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर एक सैनिक को रखने के लिए प्रतिवर्ष अनुमानित 15 लाख रुपए खर्च करती है, जो कि हथियार और गोला बारूद को छोड़कर है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव ऐसा ही रहा तो अगले साल तक भी भारतीय सेना वहां पर तैनात रह सकती है। दोस्तों अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है ताकि हम आप तक लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स पहुंचाते रहे। आर्मी चीफ MM नरवणे ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि भारत अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेज रहा है। थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने अफगानिस्तान की जमीन पर अपने जवान भेजने की किसी भी योजना को खारिज कर दिया है। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही भारत की नीति यानी कि जो पॉलिसी है नो बूट्स ऑन द ग्राउंड का जिक्र किया। सेना दिवस से पहले हुई अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों को अफगानिस्तान की जमीन पर पैर नहीं रखने देगा। आपको बता दें कि भारत इससे पहले भी अफगानिस्तान में सेना भेजने से इनकार करता है। साल 2017 में पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भारतीय सैनिकों को दूसरे की जमीन पर भेजने के लिए साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म होने के बाद साल 2001 से भारत पड़ोसी मुल्क का समर्थन कर रहा है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान को आर्थिक और मानवीय मदद देता आया है। भारतीय सेना ने स्विस ड्रोन्स के लिए आइडिया फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है।
भारतीय सेना ने सीमाओं के साथ निगरानी के लिए स्विस ड्रोन प्राप्त करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन में 4500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई और 2 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। स्विस यूएवी एक फिक्स विंग वीटोल यूएवी है, जो कि फिक्स विंग यूएवी और वीटोल यूएवी के बीच का एक संयोजन है, और ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग और लॉन्ग इंड्योरेंस के यूएवी की दोनों श्रेणियों की क्षमताओं को, जो टॉप क्षमताएं हैं, उनको बरकरार रखता है। और ये मैन पोर्टेबल यूएवी है, जो अधिकतम सीमा और उड़ान समय के साथ अपने प्रभुत्व की गारंटी देता है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका जो धीरज यानी कि एंड्योरेंस टाइम है 120 मिनट का है, रेंज है 15 किलोमीटर की, वजन है 6.5 किलोग्राम का। इसके अलावा विंड रेजिस्टेंस है 10.8 नॉट यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस व्हीकल का साइज है 2.6 mm × 1.8 mm, और इसकी इनग्रेस प्रोटेक्शन है IP53 रेटेड डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए। इसका मैक्सिमम लॉन्च एल्टीट्यूड है 4000 मीटर AMSL और मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड है 1000 मीटर AGL। पेलोड की बात करें तो आपको बता दें कि ये पेलोड के साथ दिन और रात में उड़ान भर सकता है। डेलाइट पेलोड में 1280x720 पिक्सल का 25x ऑप्टिकल जूम और थर्मल पेलोड इसका है 640x480 पिक्सल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल ने अचानक से तालिबान की यात्रा की है और उन्होंने कई रणनीतिक मुद्दों पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत की है। अफगानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि डोभाल और उनके समकक्ष हमदुल्ला मोहिब ने आतंकवाद से निपटने और शांति कायम करने के प्रयासों को सिंक्रनाइज करने सहित कई रणनीतिक पारस्परिक हितों के मुद्दों पर बातचीत की है। 2 दिन की यात्रा पर आए अजीत डोभाल ने काबुल में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अशरफ गिनी के साथ भी मुलाकात की और आतंकवाद का मुकाबला करने और अफगान शांति प्रक्रिया में एक क्षेत्रीय आम सहमति को मजबूत करने के लिए सहयोग पर चर्चा की। यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब सरकार और तालिबान के बीच अशांत अफगान शांति प्रक्रिया बहुत नाजुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटेरियोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि MOES के बीच एक तकनीकी सहयोग को लेकर MOU पर साइन किया है। इस सहमति पत्र में मौसम संबंधी, भूकंप और महामारी सेवाओं के लिए डेटा और ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान होगा, जैसे कि रडार, सैटेलाइट, ज्वार गेजेस, भूकंपीय और मौसम संबंधी स्टेशन। इस समझौते के तहत दोनों देश समुद्र से जुड़े डेटा को भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि समझौते के बाद अरब सागर से आने वाले तूफानों को पहले से ही मापा जा सकता है और किसी भी जानकारी का पहले से पता होने की वजह से नुकसान से बचा जा सकेगा। ओमान सागर और अरब सागर से आने वाले तूफान अक्सर भारत के तटीय क्षेत्रों और संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है। 48,000 करोड़ रुपए का यह सौदा स्वदेशी सैन्य विमान क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा भारतीय वायुसेना के बेड़े के घरेलू लड़ाकू जेट LCA तेजस के बेड़े को मजबूत करेगा। ये सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि LCA तेजस आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े की रीढ़ होगा। LCA तेजस की स्वदेशी सामग्री MK-1A संस्करण में 50% है, जिसे 60% तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि HAL ने पहले ही अपने नासिक और बेंगलुरु डिवीजनों में दूसरी असेंबली सुविधाओं की स्थापना कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने 2018 में 114 जेट खरीदने के लिए एक बोली आमंत्रित की थी, जिसमें स्वीडन के बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और साब ने $15 बिलियन के ऑफर की तरफ वो आकर्षित हुए थे। और LCA की जो डील है वो एक इस तरीके का संकेत दे रहा है कि भारत विदेश से महंगी रक्षा खरीद को छोड़ना चाहता है। भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाने वाले 123 लड़ाकू विमान 3 अलग अलग प्रकारों के होंगे, जो सभी एक जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा संचालित होंगे। अब तक 20 फाइटर जेट्स को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल चुका है और अगले 20 को FOC यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।